नमस्कार दोस्तों, जो मैंने आपको वीडियो में अपने प्लांट्स की परचेजिंग दिखाई थी, आज मैं इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। और ये देखिए, मैंने गमले तैयार कर लिए हैं कुछ। एक गमला मैं आपके सामने तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा प्लास्टिक का पॉट है। सीजनल प्लांट ज़्यादातर मैं प्लास्टिक के ही पॉट में लगाती हूँ, क्योंकि अगले साल फिर वो खाली हो जाता है। तो इसमें देखिए, ड्रेनिंग होल खूब बढ़िया मैंने बना लिया है, ये देखिए। और ये भी 20 रुपीज का मुझे मिला था। और इसमें मैं नारियल का ये जूट, इसमें नीचे ड्रेनेज होल ढकने के लिए मैं नारियल के जूट का ही प्रयोग कर रही हूँ। और इसमें जो है, और ये मेरी तैयार मिट्टी है, ये जैसा देख रहे हैं, इसमें मेरी गार्डन सॉयल है 40%। इसमें जो है काऊ डंगी है, खूब सड़ी हुई खाद बिल्कुल कंपोस्ट बन चुकी थी। इसमें केचुए भी बहुत हो गए थे। और जो है 20% मैंने इसमें बालू रेत मिलाई है, और थोड़ी मैंने इसमें नीम खली मिलाई है, और ये मस्टर्ड केक का चूरा थोड़ा मैंने मिलाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मस्टर्ड केक है, ये देखिए, ये इसका चूरा मैंने मिलाया है। और इन सबको, क्योंकि जाड़े के पौधों में मस्टर्ड केक बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब इसमें मैंने इसको, ये देखिए, ड्रेनेज होल मैंने कवर कर दिया है। अब इसमें मैं अपना, ये देखिए, इतना इसमें मैंने मिट्टी भर दिया है, देखिए इतना। अब इसमें मैं एस्पेरिगस लगाऊंगी। वैसे तो एस्पेरिगस के लिए बहुत बड़ा पॉट की जरूरत होती है। जितने बड़े पॉट में रहेगा उतने ही इसके ट्यूबर और बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो पहली बार मैं लगा रही हूँ, तो इसको जो है इस पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि इसको बार बार रिपॉट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसको जो है डिवाइड हो करना पड़ता है, इसका करना बहुत जरूरी रहता है दोस्तों। ये देखिए, मैंने इस एस्पेरिगस का निकाल लिया है, और इसको जो है अब मैं इसमें, ये देखिए, इसकी मिट्टी जो है बहुत चिकनी मिट्टी है, देखिए ये हाथ में चिपक रहे हैं, इसको मैं निकाल दूंगी काफी कुछ। और इसके देखिए ट्यूबर्स भी दिख रहे हैं, देखिए एक ये, एक ये, एक इधर, ये ट्यूबर्स इसके दिख गए हैं। इसकी जड़ और ज्यादा मैं नहीं छेड़ूंगी, अब इसमें मैं इसको लगा दूंगी। इसको मैंने इसे रख दिया आराम से। अब इसके किनारे किनारे मिट्टी, ये तैयार हुई मिट्टी मैंने लगा दिया। अब इतना इसका हिस्सा खाली रखेंगे पानी, फर्टिलाइजर वगैरह डालने के लिए। ये देखिए, लग के तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं सारे पौधे लगा के फिर आपको दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए, मैंने अपने सारे वो प्लांट्स जो है रिपोर्ट कर दिए हैं। अब इसमें हमें वाटरिंग करनी है। अब हम इस तरह से इसमें पहली बार फुल इतना वाटरिंग करेंगे कि ये नीचे से पानी ड्रेन हो रहा है। अभी ड्रेन होते हुए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सातों मैंने, सात पौधे हम लाए थे, सातों को मैंने रिपोर्ट कर दिया है, और इसमें अब हम वाटरिंग कर रहे हैं। अब इनको हम कम से कम 3-4 दिन शेडेड एरिया में रखेंगे, उसके बाद इनको फुल धूप में रखेंगे, फिर इनकी ग्रोथ होगी और इसमें फ्लावरिंग होगी, तब हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग। फिर अगले वीडियो मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। गुड बाय।